हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एमपी अजब है और यहां का उपचुनाव तो बड़ा गजब है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो एमपी की जनता में फैला हुआ है। जो नेता पिछली बार कांग्रेस की तरफ से वोट मांग रहे थे, अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और लोग पूछ रहे हैं कि भैया, दो साल पहले तो आप ही को वोट दिया था, अब दोबारा क्यों आए हैं? देखिए एमपी से ये दिलचस्प रिपोर्ट। ये जो चुनाव है, ये देश के लोकतंत्र की हत्या करके उसका मजाक उड़ाने वाला चुनाव, मत की मजाक उड़ाने वाला चुनाव। कहते मैं मिस्टर केनू, मिस्टर 15% किसको कहा जाता है पूरी दुनिया जानती है। अगर मुझे 15% कहते हैं तो वो तो 115% होंगे। पूरे 28 विधानसभाओं के चुनावों को मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में जितना शोर मच रहा है, वैसा हाल के किसी उपचुनाव में नहीं हुआ था। एमपी का ये उपचुनाव दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य तय करने वाला है। भारत माता की जय। एमपी उपचुनाव में शुक्रवार को नाम भराई के आखिरी दिन के साथ ही तकरीबन तय हो गया है कि कौन किसके खिलाफ लड़ेगा। लेकिन 28 सीटों पर हो रहे चुनावों में 25 प्रत्याशी वही हैं जो 18 महीने पहले हुए 2018 के विधानसभा चुनाव में मैदान में थे। बस फर्क ये है कि ये सब पिछली बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, तो इस बार बीजेपी से मैदान में है। बोलिए भारत माता की जय। माता की जय। 7 महीने पहले विधायकी से इस्तीफा देकर ये फिर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता पूछ रही है कि भैया, जब इस्तीफा दे दिया तो फिर आप क्यों चुनाव लड़ रहे हो? नंगा साहब, अभी 2 साल तो हुए हैं वोट दिए हुए, तो बोले वो हमने इस्तीफा दे दिया है। भाई, इस्तीफा क्यों दे दिया आपने? हमने तो 5 साल के लिए चुना था आपको। बस इतना सुनते ही चले जाते हैं वो। हमने कहीं 2 साल पहले भी तो चुनाव हुए थे, जब भी तो आप विधायक बने थे। इतना कह के आप काय के लिए विधायक बन रहे हैं? पहले इस्तीफा क्यों दिया आपने? इतना सुन के वापस चले जाते हैं। सारी पार्टियों के लोग आते हैं। देश के लोकतंत्र की हत्या करके उसका मजाक उड़ाने वाला चुनाव, मत की मजाक उड़ाने वाला चुनाव है। जिसको 5 साल के लिए वोट दिया था, उसको उस वोट को उन्होंने बेच दिया। जनता पूछ रही है, अभी वोट दिया था, फिर से क्यों? और फिर क्यों वोट दें? और क्या है आपके पास ऐसा जिससे आप फिर नहीं बिकोगे? एमपी की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव विधायकों के इस्तीफे के कारण, तो 3 सीटों पर विधायकों के निधन के कारण हो रहे हैं। इस्तीफा देने वाले विधायकों ने पाला बदला है, पार्टी बदली है और चुनाव में अब फिर से जनता के सामने आ गए हैं नए नए तर्क और बहाने लेकर। सामाजिक जागरूकता, कोई अपने नेता की वफादारी, तो कोई मान सम्मान, तो कोई क्षेत्र के विकास के नाम पर पार्टी बदलकर इस्तीफा देने और फिर चुनाव लड़ने को सही ठहरा रहा है। आएगा, डमरू बजाएगा, भीड़ जोड़ेगा और क्या कहेगा वो भी सुन लो। भैया वोट मत देना, माने तुमको बेच दिया। मैं आपसे कहना चाहता था, मैं बिछा जरूर, लेकिन मैं आपकी खातिर बिछा। मैं बिछा तो हम सबके लोकप्रिय नेता श्रीमंत महाराज साहब के साथ गया। इन चुनावों में जनता चक्कर खा रही है कि 4 जगहों पर तो 2018 के प्रत्याशी आमने सामने हैं, लेकिन पार्टी बदल कर। ग्वालियर पूर्व में 2018 का चुनाव मुन्ना लाल गोयल ने कांग्रेस की टिकट पर सतीश सीकरवार को हराकर जीता था। अब फिर से दोनों आमने सामने हैं। सतीश बीजेपी छोड़ कांग्रेस से, तो मुन्ना लाल कांग्रेस छोड़ बीजेपी से हैं। सुमावली में बीजेपी सरकार के मंत्री एदल सिंह कसाना के खिलाफ अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस से हैं। पिछले चुनाव में भी दोनों आमने सामने थे, लेकिन अलग अलग पार्टी से। मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार है जो इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कहने को तो उपचुनाव है, मगर राज्य में माहौल किसी मिनी असेंबली इलेक्शन से कम नहीं है। आमतौर पर उपचुनाव को सत्तारूढ़ पार्टी अपने हक में मानकर चलती है, मगर यहाँ तो बीजेपी की सांसें फूली हुई हैं। प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता शिवराज सिंधिया के साथ मिलकर भी बीजेपी को एकतरफा मुकाबले में नहीं ला पा रहे हैं, तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ के भरोसे पर है। वैसे सत्ता में वापसी का गणित कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। कांग्रेस के पास 88 सीटें हैं और उसको सत्ता में वापसी और विधानसभा में बहुमत पाने के लिए पूरी 28 सीटों को जीतना जरूरी है। वहीं बीजेपी 9 सीटें जीतकर ही बहुमत को छू लेगी।
मगर राजनीति संभावनाओं का खेल है और क्या गणित बैठ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए ऐसे ऐसे मुद्दे उभारे जा रहे हैं जो जनता से ताल्लुक नहीं रखते। कांग्रेस के एक नेता ने शिवराज पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी तो शिवराज और पूरी बीजेपी ने शिवराज को गरीब और भूखा नंगा बताकर वोट बटोरने चाहे। शिवराज अब कमलनाथ को मिस्टर 15% बोलने लगे हैं, जिसका जवाब कमलनाथ शिवराज को मिस्टर 100% कहकर देते हैं। दलालों का अड्डा बनाया, ये कमलनाथ थे जिनने महापाप मध्य प्रदेश की धरती में किया है। कहते मैं मिस्टर क्लीन हूं, नरेंद्र सिंह जी बैठे दिल्ली में, मिस्टर 15% किसको कहा जाता है पूरी दुनिया जानती है। अगर मुझे 15% कहते हैं तो वो तो 115% होंगे, अपनी बात नहीं कर रहे ये। आज व्यापम की बात नहीं करते, डंपर की बात नहीं करते, ई टेंडर की बात नहीं करते, इसीलिए तो गवर्नमेंट गिराई। हम नंगे मुंगे अच्छे। लेकिन गरीब बनना भी आसान कहाँ है। शिवराज ने खुद को गरीब बताया तो कांग्रेस ने उनके चुनावी शपथ पत्र से संपत्ति की डिटेल डालने शुरू कर दिए। वैसे दोनों पार्टियां एक दूसरे की जमकर पोल खोल रही हैं। कमलनाथ जी ऐसा काम करते हैं तो उन्हें पता रहता है, जीतते तो वो है। उन्हें सारे विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए थे सबको हर महीना के 5-5 लाख कह के देते थे। भैया ये सारे माफियाओं पे कमलनाथ जी ने कहा कार्रवाई करो, पर भाई साहब रुकवाने की बात कर। बीजेपी पहले इस चुनाव को शिवराज और सिंधिया के सहारे लड़ना चाह रही थी, मगर चुनाव शुरू होते ही वोटरों के मूड को देखते हुए शिवराज प्रमुख हो गए और सिंधिया को साइडलाइन कर दिया गया। प्रचार के लिए घूम रहे रथों में भी सिंधिया का चेहरा नहीं है, और तो और प्रचार सामग्री में भी सिंधिया को भाव नहीं मिल रहा। पोस्टर पर किसी और का फोटो है, चार लोगों को छोड़ दी। व्यवस्था हमारे यहाँ प्रमुख है प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। मेरा फोटो होता तो ऑब्जेक्शन, उन्हीं की दम पे तो सरकार बनी, इनको तो रख। नहीं नहीं आप सुन लीजिए, अब ये फिर वही बात वापस आई है, उन्हीं की दम पे आई। अरे मैं कहा कह रहा हूँ कि लेकिन व्यवस्था है, आज की तारीख में वो सांसद है और वो भी इस बात को समझते हैं कि व्यवस्थाओं में चलना पड़ता है। ये उपचुनाव ये भी तय करेंगे क्या मध्य प्रदेश में आयाराम गयाराम की संस्कृति चलेगी या जनता दत बद्दुओं को सबक सिखाएगी। जनता के मन में क्या है ये आने वाले 10 नवंबर को पता चलेगा। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज भोपाल।